आदाब दोस्तों, जायके की खुशबू में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं जीना शेख, आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। ठंड का मौसम आ गया है दोस्तों, और इस मौसम में तरह तरह के पराठे नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे, जो बहुत हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम मेथी, जिसे मैंने अच्छे से धोकर बारीक काट लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है ये 1.5 पाव आटा, आधा पाव बेसन, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून अजवाइन। रिफाइंड ऑयल एक कटोरी है तलने के लिए, और थोड़ा सा हम डालेंगे ये जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट है, ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट है। ये 4 टेबलस्पून दही और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम मेथी के पराठे का आटा तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने डाला गेहूं का आटा, उसमें मिक्स किया बेसन, उसमें डाल रही हूं मैं दही 4 टेबलस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जो मैंने 4-5 हरी मिर्चों और एक टुकड़ा छोटा टुकड़ा अदरक के साथ तैयार किया था, वो मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। पाउडर मसाले कसूरी मेथी, अजवाइन और जीरा भी मैंने डाल दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें फ्रेंड्स। सारी चीजों को, और फाइनली ऐड करें उसमें मेथी, बारीक कटी हुई मेथी। थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूं मेथी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तो पानी ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाना है, क्योंकि मेथी के पत्ते में भी मॉइस्चर होता है, तो पानी हल्का डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेना है। एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है दोस्तों। हम अच्छे से गूंद रहे हैं, और देखिए एक सॉफ्ट डो जो है तैयार हो चुका है हमारा, जिससे बनेंगे हमारे मेथी के पराठे। तो इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर रख दे रहे हैं। आधे घंटे के बाद डो बहुत अच्छा हो गया है। उसमें हम 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसे हल्का सा फिर से गूंद लेंगे, जिससे कि तेल अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम बनाएंगे अपने पराठे। एक बार फिर हम इसे हल्का सा गूंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत अच्छा तैयार हुआ है हमारा आटा। ये बिल्कुल रेडी है अब पराठे बनाने के लिए। इसी तरह का आटा हमें चाहिए, तो हम नॉर्मल साइज से बड़ी बड़े साइज की लोई ले रहे हैं, क्योंकि हम आटे की रोटी नहीं मेथी के पराठे बना रहे हैं, तो नॉर्मल साइज से बड़ी लोई हम ले रहे हैं। पतला बेलेंगे हम, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे, पतली ही बनती है मेथी के पराठे जो हैं वो। थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर हम बेल रहे हैं, बहुत ज्यादा पतली न बहुत ज्यादा मोटी।
देखिए ये अब तैयार है, तो तवा पर मैंने इसे डाल दिया। इसमें थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, तो आप जल्दबाजी ना करें, और जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाए, पक जाए, तभी इसे पलटें। दूसरी तरफ से हमारा पराठा जो है वो सिक रहा है, और देखिए हमारी मेथी के पराठे जो हैं वो अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम ब्रश की हेल्प से इस पर तेल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। और फिर पलट देंगे, क्योंकि हमें दूसरी साइड भी रिफाइंड ऑयल लगाना है दोस्तों। दूसरी साइड भी अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। जब आपके पराठे अच्छे से सिक जाएं, उसके बाद ही रिफाइंड ऑयल लगाना है। जब इस तरह के ब्राउन पैचेस उनमें आ जाएं, उसके बाद ही रिफाइंड ऑयल आप लगाएं। आप चम्मच की हेल्प से भी लगा सकते हैं, छोटे चम्मच की हेल्प से भी। बहुत ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है, उतना डालना है कि जिसमें हमारे पराठे अच्छे से सिक जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा कलर आ चुका है पराठों का। ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है मेथी के पराठों की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेथी के पराठे सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ग्रीन चटनी के साथ आप इसे सर्व करें।